टिप ऑफ द डे, नासा ने आइंस्टाइन की थ्योरी में से 10 पॉइंट्स को प्रूफ किया है। पहली वीडियोस में हमने आइंस्टाइन रिंग, ब्लैक होल, रिलेटिविस्टिक जेट और वीक लेंजिंग के बारे में पढ़ा। आज हम माइक्रो लेंजिंग के बारे में पढ़ेंगे। क्या आप जानते हैं कि एक सितारा किसी दूसरे सितारे के लिए लेंस का काम भी कर सकता है? जब एक सितारा किसी दूसरे सितारे के सामने आता है तो उन सितारों की रोशनी के टकराव से पीछे मौजूद सितारे की चमक में इजाफा हो जाता है। अगर सामने मौजूद सितारे के गिर्द कोई सियारा गर्दिश कर रहा हो तो उस सियारे की गर्दिश से पीछे मौजूद सितारे की रोशनी में होने वाले इजाफी टकराव को टेलीस्कोप से देखा जा सकता है। ये तरीकेकार एक्सोप्लैनेट्स को ढूंढने में भी मदद देता है। एक्सोप्लैनेट्स ऐसे सियारे हैं जो सूरज के अलावा दूसरे सितारों के गिर्द गर्दिश करते हैं। ये तर्ज अमल माइक्रो लेंजिंग कहलाता है। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। आज हम क्लास 8 की मैथमेटिक्स के चैप्टर नंबर 6 फैक्टराइजेशन के कुछ मजीद टॉपिक्स डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर के मेन टॉपिक्स ये हैं। नंबर 1, मैनिपुलेशन विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। नंबर 2, कॉन्सेप्ट ऑफ एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल। आइए अब हम अपने टॉपिक्स की तरफ बढ़ते हैं। मैनिपुलेशन विद अलजेब्रिक एक्सप्रेशन एंड कॉन्सेप्ट ऑफ एन इक्वेशन विद वन वेरिएबल समझने के लिए एक वीडियो की मदद लेते हैं। आज का हमारा टॉपिक है मैनिपुलेशन ऑफ अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। इस टॉपिक को समझने के लिए हम एक फार्मूला डिस्कस करेंगे, जिसको समझने के लिए हम एक एग्जाम्पल डिस्कस कर रहे हैं। एग्जाम्पल में हमें ये एक क्वेश्चन दिया गया है और हमें इसको एक्सपेंड करना है। यहाँ पर हम 3a को a कंसिडर करेंगे और 4b को b कंसिडर करेंगे। जब हम फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने से हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी और जब हम इस स्टेप को मजीद सिंप्लीफाई करेंगे तो हम इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल होगा, जो कि 3a प्लस 4b होल क्यूब की एक्सपेंड फॉर्म है। अब हम नेगेटिव फार्मूले को डिस्कस करते हैं, जिसके लिए हम एक एग्जाम्पल कंसिडर कर रहे हैं। जब हम इस फार्मूले को ओपन करेंगे तो हमें ये वैल्यूज हासिल होंगी। इस स्टेप को सिंप्लीफाई करने से हमें ये स्टेप हासिल होगा और इस स्टेप में मौजूद वैल्यूज को सिंप्लीफाई करने से हमें इस क्वेश्चन का ये आंसर हासिल होगा और ये आंसर 2a माइनस 3b होल क्यूब की एक्सपेंड फॉर्म है। अस्सलाम वालेकुम जी, लास्ट टाइम हमने फैक्टराइजेशन के बारे में बात की थी। आज हम देखेंगे कि इक्वेशन क्या होती है और इक्वेशन को हम किस तरह सॉल्व करते हैं। हम एक वेरिएबल की इक्वेशन और फिर दो वेरिएबल्स की इक्वेशंस को देखेंगे कि उनका सलूशन किस तरह निकाला जा सकता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि इक्वेशन क्या होती है। इक्वेशन जो है वो ये लव्स वर्ड इक्वेट से निकला है, जिसमें इक्वल टू साइन आता है। अगर आप देखें कि कोई भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन देखें, मिसाल के तौर पे 2x प्लस 3, ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। जब हम इसको इक्वल टू 0 कहते हैं तो ये एक अलजेब्रिक इक्वेशन बन जाती है। तो इसमें ये वाला पार्ट हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये वाला साइन इक्वल टू साइन, ये मिला के कंप्लीट जो है इक्वल टू साइन के साथ, ये अलजेब्रिक इक्वेशन है। हम और एग्जांपल देखते हैं। मिसाल के तौर पे अगर 2x प्लस 3y प्लस 4z इज इक्वल टू 36, मिसाल के तौर पे ये एक और अलजेब्रिक इक्वेशन है। पिछली क्वेश्चन में हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल था, अब हमारे पास 1, 2 और 3 वेरिएबल्स हैं। कोई भी अलजेब्रिक इक्वेशन 1, 2 या इससे ज़्यादा वेरिएबल्स पर मुश्तमिल हो सकती है। अब हम ये देखते हैं कि अलजेब्रिक इक्वेशन को हम कैसे लेते हैं। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जिस तरह एक तराजू होता है, जिसमें हमारे पास दो साइड्स होती हैं और तराजू उस वक्त बैलेंस होता है जब इसके लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे पड़ा हुआ वेट बराबर हो। तो एक अलजेब्रिक इक्वेशन जो है उसमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों
बराबर होती हैं। अगर ये बराबर नहीं है, यानी कि अगर लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, तो उसे हम अलजेब्रिक इक्वेशन नहीं कहते। मिसाल के तौर पे हम अभी एक सिमुलेशन देखेंगे और उस सिमुलेशन में हम देखेंगे कि किस तरह से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अभी जो हम देखने जा रहे हैं, एक इक्वेशन जो है वो एक बैलेंसिंग स्केल या तराजू की तरह है, जिसमें तराजू उस वक्त बैलेंस होता है जब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों में वज़न बराबर हो। अगर दोनों में से एक तरफ भी वज़न ज़्यादा है तो तराजू बैलेंस में नहीं होगा। इस वक्त आप एक तराजू देख रहे हैं इस सिमुलेशन में, जहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे भी कोई वेट नहीं है, राइट हैंड साइड पे भी कोई वेट नहीं है, और तराजू जो है वो बैलेंस में है। अब हम ये देखते हैं कि अगर हम एक तरफ कुछ वेट डालें, मिसाल के तौर पे हम लेफ्ट हैंड साइड पे एक वेट डालते हैं जो कि x किलोग्राम है। हमें ये मालूम नहीं है कि x की वैल्यू क्या है, क्योंकि ये एक वेरिएबल वेट है। अब हम ये देखना चाहते हैं कि x की वैल्यू क्या है, तो हम राइट हैंड साइड वाले पलड़े में 1 किलोग्राम डालते हैं। अभी भी आप ये देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इज़ नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे ये झुका हुआ है। हम 2 किलोग्राम मज़ीद डालते हैं, अब वेट 3 किलोग्राम हो गया। अभी भी लेफ्ट हैंड साइड का वेट ज़्यादा है, हम इसमें 4 किलोग्राम डालते हैं, अब ये 7 हो गया। राइट हैंड साइड पे पलड़ा ज़्यादा झुक गया, इसका मतलब है कि x का वज़न 7 किलोग्राम से कम है, तो हम इसमें से 1 किलोग्राम कम करते हैं। अभी भी राइट साइड पे है, अब हम 2 किलोग्राम कम करते हैं। अब आप देख रहे हैं कि लेफ्ट हैंड साइड पे झुकाव हो गया, अभी भी x इज़ नॉट इक्वल टू 4। इसका मतलब है कि अगर हम इधर 1 किलोग्राम और डालेंगे तो ये बैलेंस में हो जाएगा, मींस कि x की वैल्यू 5 है। हम यहाँ पे फाइंड x में देखते हैं कि वो क्या कह रहा है, वैल्यू ऑफ x इज़ 5। तो आप ये देख रहे हैं कि ये बैलेंस में है, x की वैल्यू हमें 5 मिली। हम इसी x इक्वल टू 5 की बजाय अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे एक और x डाल देते हैं, तो लेफ्ट हैंड साइड पे 2x हो गया। अब राइट हैंड साइड पे चूंकि x की वैल्यू हम मालूम कर चुके हैं कि 5 है, राइट हैंड साइड पे अगर हम 5 किलोग्राम और डालेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 10। इसका मतलब है कि x की वैल्यू अगर 5 किलोग्राम है तो 2x 10 किलोग्राम है। और ये जो आप देख रहे हैं ऊपर 2x इज इक्वल टू 10, ये बुनियादी तौर पे एक इक्वेशन है, इसे हम इक्वेशन कहते हैं, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड पे जो टर्म है वो 2x है और राइट हैंड साइड पे जो टर्म है कांस्टेंट टर्म है जो 10 है। अगर हम लेफ्ट हैंड साइड पे 3 किलोग्राम का वेट डालें मजीद, तो लेफ्ट हैंड साइड की इक्वेशन बनती है 2x प्लस 3, और राइट हैंड साइड पे 10 किलोग्राम है, और ये इक्वेशन बैलेंस नहीं है। इस इक्वेशन को बैलेंस करने के लिए हमने चूंकि लेफ्ट हैंड साइड पे 3 किलोग्राम और वेट डाला है, हम राइट हैंड साइड पे भी 3 किलोग्राम वेट और डालेंगे तो इक्वेशन बैलेंस हो जाएगी। तो 2x प्लस 3 इज इक्वल टू 13 एक और इक्वेशन बनती है, लेकिन अभी जो हमने एग्जांपल देखी इसमें x की वैल्यू 5 थी। अब हम इसे दोबारा से जब यूज़ करेंगे और हम देखते हैं कि कोई और एक्सप्रेशन निकालते हैं, मिसाल के तौर पे इस दफ़ा हम बैलेंस में x डालते हैं और राइट हैंड साइड पे हम 3 प्लस 2 डाल रहे हैं। अब आप देखें कि इस दफ़ा x इज़ नॉट इक्वल टू 5। यहाँ पे ये हमें पता चला कि x की वैल्यू हर डिफरेंट इक्वेशन में डिफरेंट होती है, लेकिन किसी एक प्रॉब्लम में x की वैल्यू सेम रहती है। यहाँ पे आप ये देख रहे हैं कि राइट हैंड साइड पे पलड़ा ज़्यादा झुक गया, तो हम लेफ्ट हैंड साइड पे अगर 1 किलोग्राम ऐड करें तो ये हम देखेंगे कि x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये भी अभी 5 के बराबर नहीं है, हमने 1 किलोग्राम और डाला। x प्लस 2 ये भी अभी नहीं है, हमने x प्लस 3 किया, ये भी नहीं है, x प्लस 4 किया, ये बराबर हो गया। इससे हमें क्या पता चला, x प्लस 4 इज इक्वल टू 5, या x की वैल्यू क्या होगी, अगर हम दोनों साइडों पे 4 माइनस कर दें तो x की वैल्यू 1 आती है। अब ये देखिए x की वैल्यू जो है वो 1 है। इसका मतलब है कि अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड में तमाम एक्स्ट्रा वेट्स निकाल दूँ और राइट हैंड साइड वाले में सिर्फ 1 केजी रखूं, तो ये बैलेंस को बैलेंस में होना चाहिए। यानी अब ये देखें कि स्केल बैलेंस में है, दोनों साइडों पे सेम वेट्स हैं। हम ये भी देख सकते हैं इक्वेशन में ज़रूरी नहीं कि एक ही तरफ वेरिएबल हो। हम अगर x को राइट हैंड साइड पे डालते हैं तो राइट हैंड साइड पे 1 प्लस x है, लेफ्ट हैंड साइड पे x है। अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड पे
वन कर दो तो इक्वेशन फिर बैलेंस हो गई। और यहाँ पे आप ये देखें कि एक्स की वैल्यू हमें यहाँ से पता चल रही है कि वन है। इधर अगर हम एक्स एक से ज्यादा डाल दें, मिसाल के तौर पे मैंने यहाँ पे 3x रखा है और राइट हैंड साइड पे मैं 3 रखूंगा, तो 3x इज इक्वल टू 3 या x इज इक्वल टू 1, वैल्यू ऑफ x इज 1। हम इसे एक और एग्जांपल के लिए देखते हैं। इस केस में अगर हम यहां पे 4x रखते हैं और हम ये देखते हैं 4x किसके बराबर है। अगर मैंने यहाँ पे 6 रखा तो ये इस तरफ झुक गया, इससे हमें पता चल रहा है कि x की वैल्यू 4x की वैल्यू 6 से कम है। मैं अगर यहाँ पे 2 रखूँ तो ये क्वेश्चन बनती है 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 6। इस केस में भी x की वैल्यू हम निकाल सकते हैं जो कि 4x प्लस 2 इज इक्वल टू 6, इसका मतलब है 4x इज इक्वल टू 6 माइनस 2 या 4 और x की वैल्यू 1। और हम अगर यहाँ पे देखेंगे फाइंड x तो x की वैल्यू 1 है। तो हमने ये देखा कि एक तराजू या एक स्केल बैलेंस जो है वो हमें इक्वेशन का कॉन्सेप्ट देता है। जब आप कोई सौदा खरीदने जाते हैं तो इसी तरीके से अगर दुकानदार लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ रखता है तो राइट हैंड साइड पे वो नॉन वेट्स रखता है, यानी जिनकी वैल्यू मालूम है, उससे उसे पता चलता है कि वो कितना माल दे रहा है या कितनी चीज़ आपको दे रहा है। तो ये हमारा जो कॉन्सेप्ट है, यही कॉन्सेप्ट लेकर हम आगे देखेंगे कि इक्वेशंस क्या होती हैं और उन्हें हम कैसे सॉल्व करते हैं। अब अगर आपसे ये कहा जाए कि ये क्या चीज़ है 2x प्लस 3, तो क्या ये इक्वेशन है? जी, ये एक एलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसे हम इक्वेशन नहीं कह सकते क्योंकि इसे इक्वेशन बनाने के लिए हमारे पास इक्वल टू साइन होना चाहिए। लेकिन अगर मैं लिखता हूँ 2x इज इक्वल टू 3, क्या ये इक्वेशन है? जवाब है हाँ जी, क्योंकि इसमें हमारे पास एक एलजेब्रिक टर्म है, एक कॉन्स्टेंट टर्म है और बीच में इक्वल टू साइन है। इसी तरीके से अगर मैं 3 को लेफ्ट हैंड साइड पर सब्ट्रैक्ट करूँ और राइट हैंड साइड पर भी सब्ट्रैक्ट करूँ तो इक्वेशन 2x माइनस 3 है। इसे भी हम इक्वेशन कहेंगे, इसे भी इक्वेशन कहेंगे, लेकिन 2x प्लस 3 ये इक्वेशन नहीं है। दीज टू आर इक्वेशंस। जिस तरह हमें नज़र आ रहा है कि इन इक्वेशंस में हमारे पास सिर्फ एक वेरिएबल है जो कि x है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि इक्वेशन में वेरिएबल्स की तादाद एक से ज़्यादा भी हो सकती है। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास 2x प्लस 5y है, एक एक्सप्रेशन है, और जब हम इक्वल टू साइन डाल के लेटर से 6 कह रहे हैं तो ये भी एक इक्वेशन है। इन दोनों में फ़र्क क्या है कि ऊपर वाली दो इक्वेशंस में 1 वेरिएबल था जबकि नीचे वाली इक्वेशन में इक्वेशन विद 2 वेरिएबल्स। और अगर हम कहें कि हमें 3 वेरिएबल्स की इक्वेशन चाहिए तो वो कुछ इस तरह से हो सकती है x प्लस 2y माइनस 3z प्लस 4 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है विद 3 वेरिएबल्स। तो हमने ये देखा कि इक्वेशन जो है वो उसमें इक्वल टू साइन का होना ज़रूरी है और कम से कम एक वेरिएबल का होना ज़रूरी है। उम्मीद है कि आपको बेसिक अच्छी तरह से समझ आ गई होगी और उनसे रिलेटेड बुनियादी मालूमात हासिल हो गई होंगी। इनको समझने के बाद क्या आप इस सवाल का जवाब दे सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल सही, इसका जवाब है परफेक्ट स्क्वायर। शाबाश। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियोस आपके लिए बहुत मुफीद साबित हुई होंगी और इनकी मदद से आज के टॉपिक से रिलेटेड आपके सारे कॉन्सेप्ट्स भी क्लियर हो चुके होंगे। इन टॉपिक्स को मज़ीद अच्छी तरह से समझने के लिए आप अपने फारिग वक्त में इनकी खुद भी प्रैक्टिस करें। इंशाल्लाह हम मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में एक और ज़बरदस्त लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।